हरियाणा पंजाब के सरहद पर कई दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। मांग है एमएसपी गारंटी कानून की, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में भी जो आंदोलन है किसानों का वो आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पिछले हफ्ते जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन हुआ और उसके बाद आज हरिद्वार से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक जो ट्रैक्टरों का मार्च है वो निकाला गया है। इस तरीके से नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर्स की लंबी लंबी लाइनें हैं वो यहाँ खड़ी की गई हैं और ये हरिद्वार से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक हो रहा है। इससे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आ रही है दिल्ली की ओर जाने वाले ट्रैफिक लाइन को क्लियर कराने में। यहाँ पर इस तरीके से रुक रुक कर जो ट्रैफिक है वो चल रहा है, दूसरी तरफ जो पुलिस है वो भी यहाँ पर मौजूद है, मगर जिस तरीके से डायवर्जन की व्यवस्था की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई है। जो किसानों का ये आज का प्रदर्शन है ये उन किसानों का समर्थन है जो दिल्ली के लिए कूच करने के लिए तैयार बैठे हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो किसान वहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले और तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, जो प्रशासनिक चीज़ें हैं, उन सबको झेल रहे हैं। पीछे आप देखेंगे इस ट्रैफिक को रोकने के लिए और जो पीछे से ट्रैक्टर आ रहे हैं उनको कतार में लगवाने के लिए यहाँ पर जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो आगे की तरफ चल पड़े हैं, और पीछे एक जो सभा है वो हाईवे पर ही सड़क के बीचों बीच आयोजित की गई है। यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स हैं वो अब सब हाईवे पर लगवा दिए गए हैं और अब ये एक लेन जो है वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे, दूसरी तरफ जो पुलिस है वो भी यहाँ पर एक्टिव है और डायवर्जन जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अब जो समस्या है वो लगातार आ रही है। एक लाइन पूरी तरीके से बंद है, दिल्ली और दून को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरीके से अब रोक दिया गया है। इस लेन को सुबह से ही रोका जाना चाहिए था लेकिन नहीं रोका गया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बहुत सारे नेता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, एसपी सिटी मौजूद है। अनुराग जी उधर वो शुरू हो गया है आपका? हाँ, जो प्रदर्शन है। हाँ जी, शुरू हो गया। क्या है आज आपकी जो डिमांड है? आज पंजाब में किसान आंदोलन को लेकर एमएसपी की मांग को लेकर किसानों के समर्थन में आज ट्रैक्टरों की कतार बनाई, बाई लाइन पे किसान है आज। कहाँ से कहाँ तक है? यो हरिद्वार से गाजीपुर तक। हाँ हाँ, तो ये मान लिया जाए, इसे कुछ ही माना जाए किसानों का? कुछ ही मान लो, इसे कुछ ही मान लो। अभी यहाँ पर जो कितने तादाद में जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हजारों की संख्या में ट्रैक्टर रहेंगे। एम्बुलेंस को बराबर मांग जो है मांग वही है। इसके अलावा अभी यहाँ पर एक जो व्हीकल था वो ट्रैक्टर को टक्कर मार कर गया है, उसकी वजह से यहाँ ऊहापोह की स्थिति है। यहाँ पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जो अतिरिक्त फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। सर, आज का ये जो एजिटेशन चल रहा है इसको लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कुछ बताएंगे सर? डायवर्जन कराया गया है। ये पूरा जो एक लेन है वो बंद कर दिया गया है, दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी हैं और किसान यूनियन के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनके बीच एक ऊहापोह की स्थिति है, और इससे करीब आधा किलोमीटर आगे जो किसानों का प्रदर्शन एक सभा है वो भी जारी है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र भारत, समाचार मेरठ।